दोस्तों 10,000 के नीचे जो फोन्स होते हैं ना, दैट आई विल टेल यू व्हाट, इट इज अ रेयर कमोडिटी। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछला साल ज्यादा फोन्स लॉन्च नहीं हुए, और जो भी लॉन्च हुए इतने खराब थे क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं देते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो वी नेवर इवन रिकमेंडेड, हमने वीडियोस भी नहीं किए। लेकिन सडनली 2023 में ऐसे हो गए कि फोन्स आने लग गए, और वो भी अच्छे फोन्स आने लग गए, वो भी परफॉर्मेंस वाले फोन्स आने लग गए अंडर 10,000, एंड वन ऑफ देम इज पोको C55 है। जी हाँ, अगर सी सीरीज के बारे में बात करूं तो पोको बेसिकली बजट जो फोन्स होते हैं वो सी सीरीज के साथ आते हैं। अभी तक शायद 3 फोन्स उन्होंने लॉन्च किए, C31, C50 एंड नाउ C55, एंड प्रोबेबली 10,000 के नीचे वाला सबसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन मैं कहूंगा पोको C55। लेट्स फाइंड आउट क्यों कह रहा हूं। लेट्स ओपन द बॉक्स, येलो बॉक्स, ब्लैक लेटरिंग। वैसे दोस्तों जब तक बॉक्स खोलता हूं, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं इंटरेस्टिंग, सो डू दैट। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सिम कार्ड टूल सबसे पहले बॉक्स के अंदर, एंड अंदर डॉक्यूमेंटेशन है पतला सा जो कोई नहीं पढ़ता है। छोटा सा चार्जर भी है, ये 10 वॉट का चार्जर है दोस्तों। एंड माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी टाइप ए चार्जिंग केबल है, यूएसबी टाइप सी होना चाहिए था डेफिनेटली। दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। चलिए रखते हैं साइड को, देयर इज नो केस, जिस मैं दिखाने वाला हूँ आधी। ये ऐसे लेदर टाइप डिजाइन है, और स्टिच्ड लेदर मैं कहूंगा, बीच में से सिलाई जो है वो दिख रही है। ये जनरली आपको बहुत महंगे फोन्स में मिलता है। ऑलराइट, हाँ, पोको का फोन तो लगता है, पोको की ब्रांडिंग भी है, और वो बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल जो है अक्रॉस हॉरिजॉन्टली जो है वो है। बट लुक एट दिस फोन, दिखने को यार ऐसे नहीं लगा। ये देखिए, अब जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, इट इज अबाउट 8,000, 8,000 या 9,000, इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन ये अगर फोन हाथ में लोगे तो डेफिनेटली 10,000 का तो नहीं लगता है, लगता है 15,000-18,000 का फोन है। सो दैट इज गुड। अगर वेट के बारे में बात करूं, नॉट वेरी हैवी, नॉट वेरी लाइट, शुड बी 188 grams। ऑलराइट, देखते हैं 188, 189 grams, 193.4, थोड़ा 4-5 grams से मैं थोड़ा दूर था, बट या इट्स नॉट वेरी हैवी, नॉट वेरी लाइट। पहले 175 ग्राम को हम मीडियन वेट कहा करते थे, आजकल 185-190 ग्राम मीडियन वेट हो गया है। जी हाँ, पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर है ऊपर की तरफ, नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है, माइक्रो यूएसबी है, यह माइक्रोफोन भी है, स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे आता है, ऊपर 3.5 mm जैक है, मैं वही ढूंढ रहा था, 3.5 mm जैक है ऊपर, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स देयर। जो सिम कार्ड ट्रे है ना, होना चाहिए, एक्सपेंडेबल होना चाहिए। ओ यस, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों, आप 1 TB तक जो स्टोरेज है वो एक्सपेंड कर पाओगे, सो दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी गुड। वैसे दोस्तों देयर इज नो प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली वी डोंट एक्सपेक्ट इट, लेकिन फिर भी गिरा के तो देखना है। बिल्ड क्वालिटी वैसे अच्छी लग रही है, अच्छी है। ये जो ऊपर की ग्लास है ना, थोड़ी रेज्ड है, अगर आप देखोगे तो साइड में फ्लैट है एंड देन ऊपर ग्लास आती है, पीछे से भी गिराते हैं। ये वैसे स्टिच्ड लेदर डिजाइन है, इट इज नॉट एक्चुअल लेदर। चलिए बाहर से देख लिया एंड आई एम इम्प्रेस्ड, बाहर से दिस लुक्स गुड एक्सेप्ट एक चीज, बट हाथ में ये जो फील है ना बहुत अच्छा है, डज नॉट लुक लाइक अ 10,000 rupees फोन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पोको का लोगो सबसे पहले आता है। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, ये साइज का डिस्प्ले भी आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलता है, 6.7 inch का डिस्प्ले, बट इट इज HD+ डिस्प्ले, 60Hz है बट 120Hz टच सैम्पलिंग रेट है। ओलियोफोबिक कोटिंग आती है, और ओलियोफोबिक आपको पता है फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इसलिए आती है। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इंडोर्स के लिए दिस लुक्स गुड, आई मीन इंडोर आपको कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए ब्राइटनेस के मामले में। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, अगेन वाटर ड्रॉप नॉच आती है, साइड में पतले बेजल्स हैं, चिन एवरेज साइज की है मैं कहूंगा। इट्स अ बिग फोन, 6.7 inch इसमें नहीं मिलता, 6.3, 6.4, 6.5 भी मिल जाता है, बट दिस इज अ बिग स्क्रीन, तो बजट सीरीज में बड़ी स्क्रीन चाहिए आपको, यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस। मैंने परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी इस वीडियो के स्टार्ट में, जी हाँ, इसमें हीलियो G85 प्रोसेसर आता है, जो आपको अंतुतु स्कोर जो है 2,40,000 तक देता है। इसका मतलब, अब मैं ये अंतुतु स्कोर हर वीडियो में क्यों बताता हूँ, क्योंकि जनरली दोस्तों अगर 1,00,000-1,50,000 तक होगा, एंड जनरली इस प्राइस रेंज में उसी स्कोर के जो फोन्स होते हैं वो आते हैं, बट 2,40,000 इज लाइक 13,000-14,000 का जो फोन होता है, जो परफॉर्मेंस देता है वो ये आपको दे रहा है। और अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं, तो इसमें 4GB RAM, 64GB स्टोरेज आता है, तो बेस वेरिएंट है इसमें नो 2GB, नो 3GB, एंड देयर इज 6 128 वेरिएंट एज वेल। और मैं गेस कर रहा हूं प्राइस, हमने कोशिश की फाइंड करने की, बट ये जो बेस वेरिएंट है आपको 8999 वगैरह में मिलेगा, शायद ऑफर्स के साथ उससे भी कम हो सकता है, जो 6128 होगा शायद 10999 वगैरह होगा, एंड देन ऑफर्स के साथ 10,000 के नीचे आ जाएगा, दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। वैसे अगर 6128 वेरिएंट लोगे दोस्तों, तो आपको उसमें 5GB वर्चुअल रैम भी मिलेगी, तो 6+5=11, LPDDR4X रैम टाइप है, व्हिच अगेन इज गुड। एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, गेमिंग मीडियम सेटिंग में, एक्चुअली लो टू मीडियम सेटिंग्स में आप हैवी गेम्स भी खेल
नहीं पाओगे इसके ऊपर। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगेन 10,000 के नीचे गेम्स नहीं खेलते हो, तो मैं कहता हूं कि भाई टेंपल रन वगैरह आप खेल पाओगे, बट इसमें आप सीओडी मोबाइल वगैरह खेल पाओगे, सिर्फ लो मीडियम सेटिंग्स पे खेलिए एंड यू शुड बी गुड। चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं, उसमें भी एक दो इंटरेस्टिंग चीजें और मुझे अच्छी लग रही है। एक तो दोस्तों MIUI 13 है, व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 12। यस, और एक बात, ये जो MIUI स्किन है ना, ये गूगल डायलर के साथ नहीं आता है। यस, उनका खुद का है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपको करना है वो आप कर पाओगे। हाँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स है, थर्ड पार्टी एप्स, जो अनइंस्टॉल आप कर पाओगे, बट दे आर देयर। तो अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, एक चीज अच्छी लगी, देयर इज अ फिंगरप्रिंट सेंसर एट द बैक। अगेन 7-8-9 हज़ार फोन फिंगरप्रिंट सेंसर कभी कभी गायब हो जाता है, बट नहीं, इसमें नहीं है। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि थोड़ा ऊपर की तरफ है, सो यू हैव टू स्ट्रेच योर फिंगर थोड़ा, क्योंकि फोन भी बड़ा है, तो आप अगर ऐसे पकड़ रहे हो तो ढूंढते रह जाओगे। ऐसे नहीं है, आदत आपको इसकी करनी होगी, और नहीं तो फिर फेस अनलॉक तो है ही। तो सेंसर्स के मामले में फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, जायरोस्कोप नहीं है दोस्तों, देयर इज नो जायरोस्कोप, बाकी सब सेंसर है। क्विकली बाकी की चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर मैं कैमरा पे आने वाला हूं। अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, एंड यस ब्लूटूथ 5.0 भी है, तो कनेक्टिविटी के ऑप्शन में सब है। FM रेडियो आता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, IP52 का सर्टिफिकेशन है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं, तो दोस्तों मोनो स्पीकर आते हैं, बॉटम फायरिंग, बट दे आर लाउड, दे आर क्वाइट लाउड। बड़ी स्क्रीन है, तो अगर मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है बड़ी स्क्रीन पे, तो यू कैन डेफिनेटली डू विद दिस। इवन व्यूइंग एंगल्स आर डिसेंट इनफ। ओह, आई फॉरगॉट अबाउट द बैटरी, 5000 mAh की बैटरी आती है, बड़ी बैटरी है, तो दिन भर होनी चाहिए। एक ही सिर्फ चार्जिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, 10 वॉट की चार्जिंग है, 5000 mAh चार्ज करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगने वाला है आपको। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। इसमें दोस्तों आपको 50 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 50 MP का, डेफिनेटली द चीपेस्ट फोन विद 50 MP। और इधर दो कैमरा दिख रहे हैं, दूसरा डेप्थ सेंसर है, बट प्राइमरी जो है वही इंपॉर्टेंट है 50 MP का। और देखिए पीछे 50 MP और आगे 5 MP। जी हाँ, ये वाटर ड्रॉप नॉच में दोस्तों आपको 5 MP का सेंसर मिलता है। हमने ऐसे फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं दोस्तों, ओरिजिनल फोटो क्वालिटीज आपको देखनी है तो जी ड्राइव लिंक दी हुई है, जरूर जाके देखिएगा। इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल कंडीशंस में एक्चुअली ये 50 MP का जो सेंसर है ठीक ठाक फोटोज निकालता है। आई मीन अगेन यू डोंट एक्सपेक्ट मच इन दिस प्राइस रेंज, लेकिन फिर भी 50 MP है, सो दैट इज गुड। और हाँ, फीचर्स के मामले में भी इट इज क्वाइट गुड, मतलब नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, HDR भी मिलता है आपको, टाइम लैप्स भी है, सो ऑल ऑफ देम आर देयर, एंड वीडियो के मामले में 1080p 30fps। तो पोको के जो फोन्स होते हैं जनरली परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, जी हाँ, दे एट गुड प्राइजेस दे ब्रिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन्स, एंड C55 इज नो डिफरेंट। मतलब अगर आप एक 8,000 या 9,000 के फोन में COD मोबाइल मीडियम सेटिंग्स पे खेल पाते हो, आई थिंक दैट परफॉर्मेंस इज रियली गुड। और इसका मतलब कि आपको मल्टीटास्किंग वगैरह भी करना है, आप आराम से कर पाओगे, बड़ी स्क्रीन भी आपको मिलती है, एंड लुक्स, जी हाँ, लुक एट दिस फोन, इट डज नॉट लुक लाइक 10,000। तो ये जो है ये डेफिनेटली स्टैंड आउट है। हाँ, USB टाइप सी वगैरह होती तो डेफिनेटली अच्छा होता, बट अदर देन दैट आई मस्ट से दिस इज अ गुड बजट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन। जी हाँ, यही है पोको C55। अगर इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ आपको, अगर कुछ भी अच्छा लगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।